कन्नौज की गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय बिच्छू गैंग के सदस्यों ने चार लोगों की बेरहमी से पिटाई कर दी। उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो जाने से परिजनों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर छापेमारी शुरू की है। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के गाँव अकबरपुर निवासी अरबाज अपने साथियों के साथ गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के इंदुयागंज मार्ग पर स्थापित स्विमिंग पूल में नहाने गया था। इस दौरान बिच्छू गैंग के सदस्य नहाने पहुंचे थे। नहाने के दौरान किसी बात पर विवाद हो जाने पर बिच्छू गैंग के सदस्यों ने अरबाज व उसके साथियों की लोहे की लाठों और लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे अरबाज और उसके साथी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अरबाज की हालत चिंताजनक होने पर उसे कानपुर भेजा गया, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो जाने के बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई। परिजन शव लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और कार्यवाही का आश्वासन दिया। पुलिस ने दो नामजद सहित 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। गए वैसे गए वहाँ को स्विमिंग पूल है गुप्तागढ़ में, वहाँ हमारे यहाँ अकबरपुर के ये छह लड़के नहाने के लिए गए। तो वहाँ जब ये नहा रहे तो उन लोगों ने बताया कि वहाँ पर कुछ लोग आए और नशे में थे, नशे की हालत में इनसे चिपके चिपके, तो उसमें इनकी कहा सुनी हुई। उसके वो लोग इसके स्विमिंग पूल के जो थे उनके नाम नहीं मालूम है, बिच्छू गैंग है, बिच्छू गैंग करके बहुत शातिर गैंग है। तो इन्होंने छह लोग थे तो इन्होंने मारा पीटा, तो कुछ लोग थे इन्होंने 3 लोगों को अंदर बंद कर दिया बिच्छू ने और 3 लोग बाहर निकल आए। जब ये लोग आए तो किवाड़ा खोल के और इन्हें पकड़ के खींचा और फिर इन 3 लोगों को बहुत मारा। फिर एक के तो खपड़ी में चोट लगी है, इस लड़के के जो तो है इसके साथ बहुत ज़्यादा चोट लगी। वहाँ गए पुलिस ने ही यहाँ पर बहुत सहयोग किया, पुलिस जो थी वहाँ से आई, पुलिस ने ही इन लोगों को निकाला। अगर पुलिस ना निकालती तो वो लोग जान से मार देते। फिर उसके बाद अगर पुलिस की बात की जाए तो मौके पर सूचना मिली कोतवाल पहुंचे, हाँ अभी कोतवाल पहुंचे, वहाँ पुलिस जो थी उन्हीं पुलिस के ही सहयोग से निकल पाए ये लोग जी। पुलिस ने इसमें जो है पुलिस का इसमें कोई भी गलत रोल नहीं रहा, पुलिस ने काफी सहयोग किया और पुलिस ने ही इनको लोगों को निकाला। अगर पुलिस ना पहुंचती तो वो जान से मार डालते। कल आज किसकी मौत हुई? इसकी मौत हुई इसका मुफीस का लड़का अरवाज, इसके कानपुर में। हमारा नाम मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी, अपना दल जिला अध्यक्ष कन्नौज। चौकी समधन थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में खेतों के बीच एक स्विमिंग पूल बना रखा है। उस स्विमिंग पूल में 20 तारीख को दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हो गई थी। इसमें थाना गुरसहायगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि घायलों में एक व्यक्ति अरबाज, जिसकी उम्र 20 साल के आसपास है, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस द्वारा जो है बॉडी को मोर्चरी भिजवाया गया है, पंचायतनामा भर के PM की कार्रवाई करवाई जा रही है। इसमें जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें सुसंगत धाराओं की बढ़ोतरी करके अन्य लोगों की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है। कुछ अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।